सो बेटा वी आर स्टार्टिंग पार्ट नंबर 4 ऑफ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर क्लास 12th एग्जामिनेशन। सो इन अवर पार्ट नंबर 4 द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सॉल्यूशंस एंड एज यू नो अगर बेटा आपको सॉल्यूशंस या केमिस्ट्री के अंदर सॉल्यूशंस के अंदर अगर आपको एक नंबर का क्वेश्चन मिल रहा है तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन से आएगा, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एंड एज यू नो इन आइडियल सॉल्यूशन वी हैव डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू 0, डेल्टा एच मिक्स इज ऑल्सो 0 एंड द ए इंटरेक्शन बीबी इंटरेक्शन एंड ए बी इंटरेक्शन आर इक्वल एंड देयर विल बी नो डेविएशन इन वेपर प्रेशर। जबकि हम बात करें नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तो इसमें क्या होता है बेटा, नॉन जीरो होता है डेल्टा वी मिक्स भी और डेल्टा एच मिक्स भी। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो आपके पास मान लो ए क्या होता है बेटा आपका सॉल्वेंट एंड बी क्या होता है बेटा सॉल्यूट। तो अगर बात करें आपसे ए ए इंटरेक्शंस ए बी इंटरेक्शंस एंड बी बी इंटरेक्शंस की तो ऑल आर इक्वल इन आइडियल सॉल्यूशन। बट जब हम बात करेंगे बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तो दोज आर नॉट इक्वल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ ए बी एंड देयरफॉर देयर इज टू प्रोबेबिलिटी, क्या तो ए बी की जो कंसेंट्रेशन है बेटे वो कम हो जाएगी किससे, ए ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन से, या फिर ए बी की जो इंटरेक्शंस हैं इंटरेक्शंस की क्या बात करें बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस और रिपल्शंस वो क्या हो जाएंगे ज्यादा हो जाएंगे किससे बेटा ए ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन से। तो अगर बेटा ए बी इंटरेक्शन ज्यादा हैं देन इट विल शो नेगेटिव डेविएशन, क्या शो करेगा बेटा नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए बी कम है ए ए और ए बी से बी बी से तो कौन सी डेविएशन शो करेगा बेटा पॉजिटिव डेविएशन, क्लियर है। और अगर इक्वल है तो क्या करेगा आइडियल सोल्यूशन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ए बी कम है तो ए बी इंटरेक्शन इज lower than AA and BB, therefore it will show positive deviation from the Rolle's rule, clear hai? So that's the question number 2 ke andar aap dekhoge negative deviations from Rolle's rule, negative deviation ke liye kya hoga sir, to baat karu main aapse delta V mix aur delta H mix ki to non ideal solution ke liye delta V mix aur delta H mix kya hote hain beta नॉन जीरो होते हैं, क्या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। अगर डेल्टा वी मिक्स पॉजिटिव आ रहा है देन इट विल शो पॉजिटिव डेविएशन एंड अगर डेल्टा वी मिक्स नेगेटिव आ रहा है बेटा देन इट विल शो नेगेटिव डेविएशन, क्लियर है। और डेल्टा एच भी क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए किसके लिए नेगेटिव डेविएशन के लिए, क्लियर है। सो दो कंडीशंस पूछी गई थी हमसे, Which of the following is correct for the solution showing negative deviation from the Rolle's law? तो दो conditions कौन कौन सी होती हैं बेटा, एक तो आपके पास delta V mix negative होना चाहिए और एक delta H negative होना चाहिए, clear है। ये conditions आपके पास rely नहीं करती हैं। Then we have question number 3 हमारे पास कहाँ से आ रहा है बेटा, the increase in the value of molar conductivity, electrochemistry chapter। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड विद डाइल्यूशन इज ड्यू टू, तो यहाँ पे ध्यान से देखो आपके पास एक तो एसिटिक एसिड है दैट इज CH3COO नेगेटिव COOH और यहाँ पे हमने क्या मिक्स कर दिया है H2O मिक्स कर दिया है, तो मोलर कंडक्टिविटी के अंदर इंक्रीज आ रहा है बाय द डाइल्यूशन ऑफ वाटर इनटू द एसिटिक एसिड। इससे हम क्या करना चाह रहे हैं, आपके पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं, क्या ऑप्शन है सर फोर्थ ऑप्शन आपके पास क्या है, नन ऑफ दीज की प्रोबेबिलिटी क्या होती है काफी लो होती है बाय चांस, लेकिन उसके लिए हमें सबसे तीनों ऑप्शंस को क्या करना पड़ता है उसके लिए एलिमिनेट करना पड़ता है। तो वी गो वन बाय वन विद एवरी ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन क्या है बेटा हमारे पास डिक्रीज इन इंटर आयनिक फोर्सेस, तो इंटर आयनिक इंटर का मतलब क्या होता है विद, इंट्रा का मतलब क्या होता है विद इन, तो इंटर आयनिक स्पीसीज को कम करने के लिए, जी नहीं सर यहाँ पे एच पॉजिटिव है यहाँ पे ओ एच नेगेटिव है, अगर हमने एक दूसरे के आयंस के बीच में इंटरेक्शन की बात करेंगे तो वो क्या होगा हाई होगा, इज इट क्लियर और नॉट। देन वी हैव इंक्रीज इन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन,
डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए, बिल्कुल सही सर। यहाँ पे हमारे पास कितने आयन्स है, दो है, अगर डाइल्यूशन कर देंगे तो दो और आ जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे। सी पार्ट है इंक्रीज इन सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, जी नहीं, अगर हम वाटर को वाटर में मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इंक्रीज आता है किसके अंदर, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर के अंदर। हमने किसको मिक्स किया है, CH3COH को मिक्स किया है किसके अंदर, वाटर के अंदर, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ आयन्स। क्लियर है बेटा, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हम क्या कर लेंगे, इंक्रीज कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, बी, तो बी ऑप्शन आएगा बेटा यहाँ पे हमारे पास, डी लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। देन वी हैव अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी क्या कहती है जल्दी से बताइए बेटा, व्हाट डू मीन बाय कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, मान लो आपके पास रिएक्टेंट्स है, 10 रिएक्टेंट्स है, क्लियर है, 10 मॉलिक्यूल्स है, तो मान लो यहाँ पे ज्यादा कोलिजन्स हो रही हैं तो ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, या फिर कम कोलिजन्स हो रही हैं तब ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कम कोलिजन्स पे ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा या फिर ज्यादा कोलिजन्स पे, जितने ज्यादा कोलिजन्स होंगे बेटा उतना ज्यादा मिलने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल N2 मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल है, ये जितना कोलाइड करेंगे उतना हमारे पास फॉर्मेशन होगी किसकी, NH3 की। तो कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन द कोलिजन्स डिसाइड्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मोर द नंबर ऑफ कोलिजन्स मोर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, लेसर विल बी द कोलिजन्स लेसर विल बी द प्रोडक्ट। क्लियर है। अब ये जो कोलिजन हो रहा है ये दो तरीके से होगा, ध्यान से सुनना, एक तो ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये कोलिजन इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, कोलिजन क्या होना चाहिए, परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए। क्लियर है। तो ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए बेटा, प्रॉपर होना चाहिए। सेकंड थिंग, जो आपके टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स है, क्या है बेटा, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स, या फिर जो ग्रेटर काइनेटिक, जो आपकी एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। आप ध्यान से सुनिएगा, एक तो कोलिजन्स हो गए हमारे पास, कोलिजन्स क्या होने चाहिए, मैक्सिमम होने चाहिए, या फिर आपके पास जो ओरिएंटेशन है वो क्या होना चाहिए बेटा, प्रॉपर होना चाहिए, और एनर्जी जो है, हमने पढ़ा था बेटा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर कि एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है बेटा, मिनिमम एनर्जी, तो मिनिमम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी हमें क्या करनी होगी, प्रोवाइड करनी होगी, ताकि आपके पास कोलिजन्स क्या हो सके, प्रॉपरली एक्ट कर सके। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे आपके पास कोलिजन्स क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, ओरिएंटेशन भी होना चाहिए, एनर्जी भी होनी चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो सही है सर, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लगा दिया, क्या वर्ड लगा दिया, ध्यान से देखिएगा इसको, क्या है, ओनली, क्या सिर्फ कोलिजन्स पे डिपेंड करता है, नहीं सर, सिर्फ कोलिजन्स पे डिपेंड नहीं करता है, क्या एनर्जी पे डिपेंड करता है, यस सर, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, यस सर, तो बी और सी दोनों है तो हम क्या लिख देंगे, बोथ बी एंड सी, डी ऑप्शन लिख देंगे, बी और सी को क्या कर देंगे, इनकरेक्ट। आ गया बेटा समझ में, सो ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर है। देन वी हैव द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू, एक्टिवेशन एनर्जी किसके इक्वल होती है बेटा, ये ग्राफ आपको हमेशा याद रखना है, ये किसकी एनर्जी है, रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये किसकी एनर्जी है, प्रोडक्ट की एनर्जी है, लेकिन मिनिमम क्या चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए किसमें कन्वर्ट होने के लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, किसको, रिएक्टेंट को, तो इतनी एनर्जी तो इसके पास पहले से ही है, ये एनर्जी और मिल जाए तो बात बन जाए, ये चोटी एक बार पार हो जाए तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दिस इज द मिनिमम एनर्जी, एंड मिनिमम एनर्जी कौन सी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर है बेटा। तो इसको एक्टिवेट होने के लिए टोटल कितनी एनर्जी चाहिए, एक तो रिएक्टेंट की और एक किसकी चाहिए बेटा आपके पास, थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो ये कंप्लीट हमारे पास क्या है, मिनिमम एनर्जी है, इसमें से अगर हम रिएक्टेंट की एनर्जी को कम कर देंगे तो हमारे पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास अगर हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है तो दैट विल बी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है, फिर से दिखा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, ये आपके पास कौन सी एनर्जी है, रिएक्टेंट की, तो दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है। ये मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको कन्वर्ट करने के लिए प्रोडक्ट के अंदर, तो दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी,
ये पूरी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। पूरी क्या है बेटे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इस पूरी थ्रेशोल्ड एनर्जी के अंदर से दिस इज योर थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड दिस इज रिएक्टेंट एनर्जी, और आपको ये वाली एनर्जी चाहिए। तो अगर मैं इस पूरी थ्रेशोल्ड एनर्जी में से इतनी एनर्जी को काट देता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस थ्रेशोल्ड एनर्जी में से मुझे रिएक्टेंट की एनर्जी को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है एंड आई विल फाउंड द एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है बेटे। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कौन से आयंस के अंदर होंगे। तो यहाँ पे बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है। कोबाल्ट का कितना होता है बेटा, शक्ति वक्र मन पी को। तो को का क्या होता है बेटा, यहाँ पे कोबाल्ट का क्या होता है, 27। क्लियर है। तो आपके पास एक तो कौन सा आयन है, Fe3 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव, और यहाँ पे कौन से आयन है बेटा, Co2 पॉजिटिव एंड Co3 पॉजिटिव। क्लियर है। तो 27 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटे, 3d7 4s2। यहाँ पे बताओ क्या आएगा, 3d7। यहाँ पे क्या आएगा, 3d6। यहाँ पे क्या आएगा, इसका क्या होगा, 3d6 4s2। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 3d6 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 3d5 आएगा। क्लियर है। अब सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, फटाफट बता दो। यहाँ पे तो क्या हो जाएंगे, एक की पेयरिंग हो जाएगी, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर है। इसको बना देता हूँ मैं, डी ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल्स होंगे या नहीं होंगे, होंगे सर। इलेक्ट्रॉन्स आ गए या नहीं आ गए, कितने भरने हैं, 6। 5 तो भर गए, एक की क्या हो जाएगी पेयरिंग, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 4। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी कितने आएंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 7 है, तो 2 की फिर वापस से पेयरिंग हो जाएगी, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 3। यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 5। सबसे ज्यादा किसमें आ रहे हैं, Fe3 पॉजिटिव। समझ आया नहीं आया बेटे। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये आपको हमेशा याद रखना है बेटा, कभी भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ns np n-1 d। क्लियर है, इस तरीके से लिखते हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स का लिखना है तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में np क्या रहता है हमारा, 0 रहता है, और n-1 डी में कहां से कहां तक इलेक्ट्रॉन्स आते हैं सर, 1 से लेके 10 तक, और एस में कहां से कहां तक आते हैं बेटा, 1 से लेके 2 तक, सॉरी 0 से लेके 2 तक, 0 भी आ सकता है। क्लियर है। तो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर है। देन वी हैव एग्जांपल नंबर 8, सिस प्लेटिन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज। तो ये जो सिस प्लेटिन होता है बेटा, जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एप्लीकेशन वाले पार्ट से आया हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कि सिस प्लेटिन जो है कैंसर के लिए हम किस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज करते हैं, तो दैट इज प्लेटिनम NH3 2Cl2। इसका हम क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। क्लियर है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ये क्या होता है, सिस प्लेटिन होता है जिसको हम यूज करते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, राइट द फॉर्मूला ऑफ पेंटामीन। पेंटामीन मतलब NH3 कितने होंगे, 5 होंगे सर। क्लोराइडो, क्लोराइडो मतलब क्या लगा होगा सर, क्लोरीन लगा होगा। क्लोराइडो का मतलब क्या है, अंदर की तरफ लगा होगा लिगेंड के तौर पे। क्लियर है। प्लेटिनम, प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 4, और बाहर क्या लगा हुआ है, क्लोरीन आयन। तो अब सर चार्ज देख लेते हैं, यहाँ पे कितना आएगा, 0। प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4 है। क्लियर है। और यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज है, -1। तो 4 में से 1 गया, कितना बचा, +3 बच गया। तो +3 को बैलेंस करने के लिए कितने क्लोरीन लगाने पड़ेंगे, 3 क्लोरीन। समझ आया नहीं आया। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है सर, इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ बताओ। एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा। तो जैसा कि आप जानते हो बेटा, जो आपका बेंजाइलिक एसिड होता है या फिर जो फिनोल होता है, क्लियर है, बेंजाइलिक एसिड तो नहीं, बेंजाइलिक में क्या हो जाएगा, कार्बन और फिर OH आ जाएगा, यहाँ पे क्या है, फिनोल। तो फिनोल जो होता है इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, वाटर से। और वाटर का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है किससे सर, किसी भी एलिफेटिक एल्कोहल से। क्लियर है। तो दिस इज मिथेनॉल, मिथेनॉल से क्या होगा, ज्यादा होगा H2 का, और फिर कैसे ज्यादा होगा फिनोल का।
Then we have arranged the following in increasing order of reactivity towards HCN. HCN की तरफ सबसे ज्यादा reactivity कौन दिखाएगा? तो ध्यान से देखो, C2H5, C double bond O, CH3, एक तो ये compound है sir, CH3, C double bond O, साथ में क्या लगा हुआ है? CH3, यहाँ पे और क्या है बेटा? CH3, C double bond O, और साथ में क्या लगा हुआ है? H, और एक क्या है बेटा? HC double bond O, और साथ में क्या लगा हुआ है? HE लगा हुआ है। तो HCN के अबाउट करना है हमें, तो HCN में क्या आएगा? CN नेगेटिव, H पॉजिटिव, तो यहाँ पे आपके पास H पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर सकता है, और इसके पास किसी भी टाइप की कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, तो ये क्या कर सकता है? आसानी से गेन कर सकता है, जबकि यहाँ पे भीड़ भाड़ क्या हो गई? इंक्रीज होगी, तो इसको गेन करने के लिए क्या लगेगा? टाइम लगेगा, यहाँ पे और भी ज्यादा हो गई और यहाँ पे सबसे ज्यादा, तो ये क्या करेगा? लीस्ट रिएक्टिविटी शो करेगा, दैट इज डी ऑप्शन बोलूं तो मैं इसे, इसको सी, तो सी वाला आएगा, फिर सी के बाद बी वाला, और फिर ए वाला, क्लियर है? तो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ दिस कंपाउंड्स। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ पी टोलिडिन? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पी टोलिडिन। तो पी टोलिडिन क्या होता है? पैरा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? ध्यान से सुनिएगा, पी टोलिडिन फॉर जो पैरा पोजीशन है उसके ऊपर आपके पास कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? अमीन ग्रुप लगा हुआ है, और अमीन ग्रुप किस पे लगा हुआ है? टोलिन पे। टोलिन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर क्या लगी होती है? CH3 लगी होती है, क्लियर है? अब इसका आयुपैक नेम लिखना है, तो ये क्या होगा? आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो इसकी प्रायोरिटी 1 होगी, 1 2 3 4, 4 पे आ रहा है, तो ये जो पूरी रिंग है इसका क्या नाम होता है बेटा? जल्दी से बताइए, NH2 लगा हुआ है बेंजीन रिंग पे, दैट इज नोन एज बेंजेनामीन या फिर एनिलीन, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों में से। तो बेंजेनामीन को आयुपैक नेम लिख रहे हैं, बेंजेनामीन, एंड 4 पे आपके पास क्या लगा हुआ है बेटा? मिथाइल लगा हुआ है, तो 4 मिथाइल बेंजेनामीन, दैट इज द आयुपैक नेम ऑफ पैरा टोलिडिन, क्लियर है? देन वी हैव एक्सप्लेन व्हाई विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी। बॉडी के अंदर स्टोर क्यों नहीं करके रख सकते विटामिन सी को? तो विटामिन सी क्या होता है बेटा? वाटर सोल्यूबल होता है। विटामिन सी क्या होता है? वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर के अंदर क्या हो जाता है? डिजोल्व हो जाता है, देयरफॉर इट इज रेडिली एक्सक्रीटेड इन यूरिन, इसीलिए यूरिन के थ्रू हमेशा क्या हो जाता है? एक्सक्रीट हो जाता है, इसलिए हम इसको बॉडी में स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, क्लियर है? देन वी हैव राइबोफ्लेविन बिलोंग्स टू विटामिन। तो ये कौन से विटामिन से बिलोंग करता है बेटा? B2 से। थायामिन बिलोंग्स टू, ये आपको याद रखना है, थायामिन, राइबोफ्लेविन, या फिर आज हमने एस्कोर्बिक एसिड पढ़ा था। तो विटामिन की जो चार्ट है, जो मैंने आपको करवा भी रखा है बेटा, विटामिन के अंदर एक तो उसके सोर्स एंड द अनदर वन आर डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ देम एंड द अनदर वन इज कॉमन नेम, इन विटामिन का कॉमन नेम क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है हमेशा विटामिन के चार्ट को। अच्छा, आरएनए की फुल फॉर्म क्या होगी? अच्छा, ध्यान से देखो, आज जो हमने पहले जो लेक्चर लिया था उसके अंदर कौन सा था? डीएनए की फुल फॉर्म, यहाँ पे कौन सी आ रही है? आरएनए की फुल फॉर्म। तो बोथ द क्वेश्चंस आर मस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में। तो आरएनए की फुल फॉर्म क्या होगी बेटा? राइबोन्यूक्लिक एसिड, क्लियर है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।